हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास का नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से देखें क्योंकि हायर क्लास के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। अब यहाँ पर बेस सेम है, ये ए को बेस बोलते हैं और इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं, एम और एन को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ए को बेस बोलते हैं। जब बेस आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे तो एक्सपोनेंट हमेशा ऐड होते हैं एक दूसरे में। ये हमेशा आपके दिमाग में रखे कि जब बेस इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो इसके जो एक्सपोनेंट है वो आपस में ऐड होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो दोस्तों, मेरे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर एक वीडियो भी मिस हो गई तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। तो अभी एग्जांपल है, टू टू द पावर टू इंटू टू टू द पावर फाइव। या तो आप इस तरह बोल सकते हैं, टू एस टू 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 एस टू फाइव। अब देखो, बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन आप एक्सपोनेंट को ये ना देखिए, एक्सपोनेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। अगर एक्सपोनेंट को ऐड करना है तो सबसे पहले बेस सेम हो और दोनों बेस के बिटवीन क्या है, मल्टीप्लाई हो। तो दोनों मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर हम क्या नहीं, हमें इस लॉ के अकॉर्डिंग इस तरह इसे हम लिखते हैं, बेस सेम है, बेस सेम है, दोनों एक्सपोनेंट को ऐड करें। तो दो टू में फाइव ऐड करेंगे सेवन। और एक एग्जांपल देखेंगे, थ्री टू द पावर फोर इंटू थ्री टू द पावर फाइव। अब देखो, बेस सेम है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, थ्री टू द पावर फोर प्लस फाइव, इसके एक्सपोनेंट क्या है, ऐड होते हैं। थ्री टू द पावर क्या हुआ, फोर में फाइव ऐड करेंगे नाइन। अगर आपको इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, थ्री फाइव टू द पावर सेवन इंटू फाइव टू द पावर टू इंटू फाइव टू द पावर थ्री, अगर इस तरह आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ऊपर के जो एक्सपोनेंट बेस सेम है और बेस के क्या ही नहीं दरमियान मल्टीप्लाई है तो ऊपर के एक्सपोनेंट को आप ऐड कर दो, बस ख़त्म हो जाएगा। सेवन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव एरस टू ट्वेल्व। अब सेकेंड लॉ क्या है, अब ये सेकेंड लॉ है, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। अगर इस तरह समझो, बेस अगर डिवाइड में है, बेस अगर डिवाइड में है तो इनके एक्सपोनेंट एक दूसरे के अंदर सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो एम में से एन सब्सट्रैक्ट होते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर डिवाइड है, दोनों बेस अगर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे तो इनके एक्सपोनेंट माइनस होते हैं, और इसी तरह अगर दोनों बेस मल्टीप्लाई हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट हैं वह ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल, थ्री टू द पावर फाइव डिवाइडेड बाय थ्री टू द पावर
4, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? तो आप देखो बेस सेम है, बेस सेम है 3, अब 5 में से 4 माइनस कर दो, बस 5 माइनस 4, तो 5 में से अगर 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो 3 टू द पावर 1। अब थर्ड लॉ क्या कहता है, ए टू द पावर m होल ब्रैकेट पावर n, ए टू द पावर m एंड ब्रैकेट पावर n, अगर बेस की पावर m है और होल ब्रैकेट की पावर n है, तो ये दोनों जो एक्सपोनेंट हैं, ये जो दोनों पावर हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते हैं, तो ए टू द पावर m इंटू n, हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं ए टू द पावर mn, तो mn मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। अब फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 3, 3 की पावर 3 है और ब्रैकेट की पावर 2 है, तो अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये दोनों जो पावर है ये मल्टीप्लाई होते हैं, 3 टू द पावर 6। अब इस एग्जांपल के अंदर क्या है, 5 की पावर 7 है और होल ब्रैकेट की पावर 4 है, तो अब ये दोनों एक्सपोनेंट, ये दोनों पावर क्या होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते हैं, 7 इंटू 5 टू द पावर 7 और ब्रैकेट की पावर 4, तो ये दोनों जो एक्सपोनेंट है, दोनों जो पावर है, ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते हैं, तो 7 फोर ज़ा 28, 5 टू द पावर 28। अब फोर्थ लॉ क्या है, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर m। अब यहाँ पर बेस डिफरेंट है, बेस अगर डिफरेंट है लेकिन उसके एक्सपोनेंट जो है वो बराबर हैं, एक्सपोनेंट सेम है, तो अगर ये एक्सपोनेंट सेम है तो इनको जो दोनों बेस हैं जैसा है वैसा ही लिखना, होल ब्रैकेट को उसकी पावर लिखना, जैसा फॉर एग्जांपल अब 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, अब यहाँ बेस डिफरेंट है तो हम क्या करें, 2 इंटू 3 लेकिन पावर सेम है, तो होल ब्रैकेट को हम जो पावर दे वो 5, इसका भी पावर 5 है और इसका भी 5 है, तो होल ब्रैकेट को हम 5 पावर दे। अब यहाँ पर देखो 7 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, लेकिन यहाँ बेस से बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसे हम इस तरह लिखे 7 इंटू 4 रेस टू 2। यहाँ एक एग्जांपल है, इफ ए रेस टू 1 इज इक्वल टू ए, देन ए 0 इज ए रेस टू 0 इक्वल टू, यहाँ एक एग्जांपल है क्या, इफ ए रेस टू 1, ए टू द पावर 1 इज इक्वल टू ए, अगर a की पावर 1 है और उसकी वैल्यू a है, तो a की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अज्यूम करो a की वैल्यू m, a की पावर m इक्वल टू a की पावर m, ये दोनों इक्वल है, तो अब अगर ये a टू द पावर m इसके साइड डिवाइड हुआ, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पर इस लॉ के अकॉर्डिंग a रेस टू m डिवाइड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n, ये जो सेकंड लॉ अभी हमें पढ़े, सेकंड लॉ के अंदर क्या है, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, तो उसी तरह a टू द पावर m, ये क्या हुआ, a टू द पावर m माइनस m इज इक्वल टू 1।
तो अब यम में से यम अगर माइनस करेंगे तो ज़ीरो, तो ए टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन। तो ए की पावर अगर ज़ीरो होगी तो इसकी वैल्यू वन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेन की पावर अगर ज़ीरो है तो भी वैल्यू वन होगी, अगर सौ की पावर अगर ज़ीरो है तो भी वैल्यू वन होगी। कोई भी नंबर हो, चाहे वो कहीं कोई भी नंबर हो, अगर उसकी कहीं पावर अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू वन होगी। तो ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।